गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ टॉपिक ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट यूज्ड इन सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग बीटेक 6 सेम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच. सो वी विल डिस्कस इन लास्ट क्लास व्हाट इज कोएगुलेशन एंड व्हाट इज कोएगुलेशन एडेड इन सेडिमेंटेशन. ठीक है, ये अपन ने पूरा डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर और आज उसी को आगे कंटिन्यू करके अपन कोएगुलेशन का पोर्शन ही आगे समझने को मिलेगा अपने को. किस कोएगुलेंट में कोएगुलेशन है उसमें अपन क्या क्या एलिमेंट कोएगुलेंट के ऐड करते हैं जिससे कि अपना वाटर नीचे इजीली सेट हो जाता है. ठीक है, इजीली जितना भी उसके साइज जैसे बिगर साइज का बन के और नीचे वो सेट हो जाए, ये चीज अपन पढ़ेंगे. ठीक है, तो अपनी जो आज का टॉपिक रहेगा, हेडिंग रहेगी, वो रहेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट अवेलेबल फॉर कोएगुलेशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट अवेलेबल फॉर कोएगुलेशन, अवेलेबल फॉर कोएगुलेशन. ठीक है भाई, क्या क्या अवेलेबल होते हैं वो अपने को जानना है. तो इसमें फर्स्ट अपना होता है एलम. एलम, ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला अपना होता है Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 18H2O. ठीक है, इस तरह से फिटकरी बोझ इसका भी नाम होता है पूरा. इसको अपन क्या कह सकते हैं? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट ये बोल सकते हैं इसको. ठीक है भाई, एलम को अपन ये कह सकते हैं. तो एलम एक तरह से क्या हो गया यहाँ पे, अपना कोएगुलेंट हो गया. वाटर के अंदर अपन एलम ऐड करते हैं. ठीक है, कोई भी जो अपना रो वाटर था उसके अंदर अगर एलम ऐड करते हैं, जो रो वाटर में अपने नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं उनमें एलम का जब से रिएक्शन होता है, इसका पॉजिटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, तो फिर क्या अपने को मिलता है वो चीज जाननी है इसमें. देखिए, इसमें अपन लिख सकते हैं कि एलम इज एडेड वाटर रिएक्शन विद एल्कलिनिटी. एलम इन एडेड वाटर, एल्कलिनिटी प्रेजेंटेड and leads to the formation of gelation expected of AlOH का होल ट्वाइस विच अट्रैक्ट फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल विच अट्रैक्ट फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल ओवर इट सरफेस रीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बिगर पार्टिकल विच कैन इजीली सेटल
फॉलोइंग सेडिमेंटेशन प्रोसेस, द फॉलोइंग सेडिमेंटेशन प्रोसेस ठीक है भाई। ये पूरा पोर्शन अपना है जो सबसे पहले तो देखिए एलम जो है वो रिएक्शन किससे करता है, एलम इन एडेड वाटर रिएक्शन विद एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी के जो प्रेजेंट होगी वाटर के अंदर उसके साथ रिएक्शन करता है एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हिस्टिकली जेलेशन एक्सपेक्टेड ऑफ AlOH का होल ट्वाइस। जेलेशन के टर्म में फॉर्म में अपने को मिलता है और ये अट्रैक्ट किसको करता है, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल ओवर इट्स सरफेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बिगर पार्टिकल ठीक है। अट्रैक्ट किसको करता है, जो भी वो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल थे उनको ये अट्रैक्ट करता है और रेडिंग के रूप में अपने को क्या देता है, उनको बिगर पार्टिकल साइज कर देता है, उनको बड़ा कर देता है उनकी साइज को और फिर उनको नीचे इजीली वो सेट कर हो जाते हैं ठीक है, नीचे इजीली सेट हो जाते हैं। अब देखिए इसकी जो रिएक्शन जो होती है जो कि इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन अपनी किससे कराएंगे, Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 18H2O ठीक है। इसका अपन ने रिएक्शन कराया 3CaHCO3 का होल ट्वाइस इसके साथ रिएक्शन कराया तो अपने को क्या मिलता है, 2AlOH3 का होल ट्वाइस OH3 ओनली OL का होल ट्वाइस नहीं होल थ्राइज हो जाएगा और प्लस में 3CaSO4 निकलता रहता है और प्लस में एक चीज और निकलती है CO2 निकलती है प्लस 18H2O ठीक है, ये टर्म अपनी निकल के आती है। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं और किस टर्म में निकलता है, Al+3 का अपन H2O से रिएक्शन कराते हैं तो अपना AlOH का होल ट्वाइस ठीक है और Al+3+2H2O करवाते हैं तो अपना AlOH का होल ट्वाइस निकल के आता है और Al+3+3H2O लेके चलते हैं तो अपने पास AlOH का होल थ्राइज निकल जाता है ठीक है भाई। यहाँ तक का पोर्शन अपना पूरा फाइंड आउट होके आता है इसमें, तो यहाँ तक तुम नोट कर लीजिए। रिएक्शन अपनी सीधी है, एलम का जो फॉर्मूला है उसकी Al2SO4 का होता है 18H2O का, अपन ने एल्कलिनिटी की टर्म जो लेके चले हैं कैल्शियम हाइड्रो कार्बोनेट लिया है अपन ने ठीक है, उसका रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास AlOH का होल थ्राइज निकलता है और कैल्शियम सल्फेट निकल के आता है, CO2 गैस निकल के आती है और वाटर निकल के आता है 18H2O ठीक है। यहाँ तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं। इसका pH लेवल कितना होता है, 4.5 है अभी इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है कि एलम वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ, एलम वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ 6.5 to 8.5 लेके चलते हैं ठीक है भाई। इट रिमूव टेस्ट कलर ओडोर ठीक है, और ये क्या करता है, इट रिमूव टेस्ट कॉमा कलर ओडोर ओडोर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म From the water, ठीक है।
ये पीएच रेंज है इसकी। अब इसमें देखिए अपन इसकी क्वांटिटी कितनी यूज करते हैं, तो नेक्स्ट लिख सकते हैं कि नॉर्मल डोज ऑफ एलम वेरीज, ऑफ एलम वेरीज इन द रेंज ऑफ टेन टू थर्टी मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है भाई, ये अपन इतनी इसकी क्वांटिटी वाटर के अंदर यूज करते हैं, एलएम के अंदर अपन ये क्वांटिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस देखिए अपना किसका था, एलएम से रिलेटेड था कि एलएम को अपन कैसे कैसे यूज करते हैं, उसका क्या बेनिफिट्स है, कैसे रिएक्शन करता है, क्या रिएक्शन उसकी बनती है। ठीक है भाई, तो एक कोएगुलेंट का पार्ट अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोपियस, सेकंड क्या है कोपियस। ठीक है, ये कोपियस किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 × 7 H2O, और इसको अपन और भी क्या कह सकते हैं, पूरा हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है, ये कह सकते हैं, ये भी सेम है उसका, ये प्रोसेस होगा। इसको अपन क्या कह सकते हैं, इट वर्क्स एज एन इफेक्टिव कोएगुलेंट when used conjunction with lime। ठीक है, लाइम के साथ यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, it also reacts with alkalinity present in the water and leads to the formation of steeply gelation। वही सेम लिख रहे हैं जो पहले वाले में अपन ने लिखा था ना, वो ही लाइन है इसमें। precipitate of ferric hydroxide which attract fine suspended particle over if surface leading to the formation of the bigger particle, leading to the formation of bigger particle, which get easily settled in the following sedimentation process, which get easily settled in the following sedimentation
प्रोसेस। ठीक है भाई, ये पूरा प्रोसेस नीचे तक दिख रहा होगा, एक दो पॉइंट अपने हो रहे हैं इसमें, ये वही सेम प्रोसेस दिखाया अपने। नेक्स्ट क्या है कि इट इज नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कलर वाटर, इट इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कलर वाटर। ठीक है, एक लास्ट इसमें क्या हो सकता है अपना कि भाई इसकी क्वांटिटी, इट्स नॉर्मल डोज आल्सो वेरीज इन द रेंज ऑफ, इट्स नॉर्मल डोज आल्सो वेरीज इन द रेंज ऑफ 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये रख देते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि पीएच रेंज कितनी लेंगे भाई इसकी, पीएच रेंज होती है इसकी 8.5 एंड अबव। ठीक है, ये अपन पीएच रेंज लेके चलते हैं इसके। तो ये पूरा प्रोसेस अपना किसका, कॉपियस का आता है। ठीक है, कॉपियस में अपने को ये देखना है। अब लास्ट इसकी रिएक्शन और देख लेते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या आती है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए FeSO4 × 7H2O plus ये HCO3 का whole twice, FeHCO3 का whole twice plus ESO4 FeHCO3 का whole twice plus CSO4 plus H2O, CaSO4 plus H2 और इसका रिएक्शन 2CaOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है इसकी O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास FeOH का होल ट्वाइस निकल के आता है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन अपना इसका रिएक्शन का था। एक रिएक्शन हो रहा है इसमें कि FeSO4 इंटू 7H2O प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, O2 के साथ रिएक्शन हुआ, क्या निकल के आया है, FeOH का होल थ्राइस निकल के आया प्लस में CaSO4 प्लस H2O प्लस में CaSO4 प्लस H2O निकल। ठीक है, ये दो रिएक्शन आ सकती है। ठीक है भाई, तो ये अपना जो एल्यूमिनेट के को एल्यूमिनेट के अपन ने दो टॉपिक कंप्लीट किए और आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।